कर लिया है और टोटल हमें 16 शिपमेंट मिला है, तो और हम लोग को इसको 3 घंटा में डिलीवर करना है। तो सबसे पहले हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन से समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हमको हब जाना होगा, फ्लिपकार्ट का जो हब है, उसके बाद हम लोग आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलो पहले हब चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग फ्लिपकार्ट हब पहुँच चुके हैं और अपना शिपमेंट भी ले लिए हैं। तो आओ पहले शिपमेंट काउंट करते हैं कि टोटल हमें कितना शिपमेंट मिला है और कितना देर में उसे कम्प्लीट करना है। तो जैसा कि अभी हम लोग ने शिपमेंट काउंट कर लिया है और टोटल हमें 16 शिपमेंट मिला है। तो गाइज, हमने शिपमेंट काउंट कर लिया है और टोटल हमें 16 शिपमेंट मिला है। तो और हम लोग को इसको 3 घंटा में डिलीवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए और डिलीवरी के लिए निकलते हैं। तो गाइज, अभी हम लोग शिपमेंट के लिए निकल चुके हैं और सबसे पहले हम लोग का एक एप्लीकेशन है फील्ड एक्स बोल के, पहले हम लोग उसको ओपन कर लिया। हम लोग सबसे पहले कस्टमर को कॉल लगा के पूछेंगे कि हमें एग्जैक्ट कहाँ पे आना है। तो चलो अभी कॉल लगाते हैं। अच्छा क्वालिटी होने। हेलो हेलो, हाँ मैम, ये कहाँ पे आना था? गोकुल बाजार। अच्छा, मैं आप लाल स्कूल के पास भेज दिया, मैं लाल स्कूल के पास खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, लाल स्कूल के गेट पे। हाँ ठीक है, ओके आइए। तो चलिए ना लोकेशन पे और इन्हें शिपमेंट देते हैं। गाइस, मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी मैं वीडियो बनाने निकलता हूँ तो ये बारिश आ जाता है, हमेशा मेरे साथ होता है। अब पता नहीं ये क्यों होता है, बस हो जाता है। तो अभी हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए हैं और कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, वो देखते हैं कब आता है। हेलो, अबे कनेड़ी। तो गाइस भाई आ गए और हम लोग भाई को पार्सल दे देते हैं, और पार्सल देने से पहले हमें स्कैन करना पड़ता है, ठीक है? तो चलिए पहले स्कैन कर लेते हैं। स्कैन कर लिए, भाई साइन कर लीजिए। हाँ देखिए, यहाँ पे लिखे, तो साइन भी हम लोग करवा लिए, भाई को पार्सल दे देते हैं। थैंक यू भाई। तो गाइज़, हम लोग अब दूसरे डिलीवरी देने जा रहे हैं, और गाइज़ ये थोड़ा हेक्टिक काम है, लेकिन अपने को चलेगा क्योंकि अपने को मेहनत करने का आदत है। तो अब चलिए चल के दूसरी डिलीवरी देते हैं। तो अभी हम लोग पार्सल भाई को डिलीवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमें स्कैन करना पड़ता है। तो अभी स्कैन हो गया। आसुन दादा, एक मिनट दादा। एक बार और साइन करिए भैया। थैंक यू। तो गाइस, जैसा कि आप देखिए, अभी हम लोग फ्लिपकार्ट का सारा पार्सल कर चुके हैं, और सबसे पहली चीज़ जो मैं गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बंदे अभी मुझे कमेंट करते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, तू उबर कर रहा है, ये सब छोटा काम है, वो काम है। एक चीज़ याद रखना भाई, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और जब आप खुद के पैसे से कुछ लेते हो ना, या आप खुद के पैसे से अपना पॉकेट मनी या बेयर करते हो ना, बिना मम्मी पापा से मांगे, बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए, तो उसका फीलिंग गाइस ऊँचा लेवल का होता है, ठीक है? तो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय का काम करने, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अजहर भाई का डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उनसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। और बेटर यही होगा आपके लिए कि अगर आप खेदरपुर या पार्क सर्कस या तोपसिया में रहते हैं, तो वहाँ से आपके लिए सामने पड़ेगा और आप ये काम इजीली कर सकते हैं।
और पर शिपमेंट में आपको 14 रुपीज़ करके देता है। तो गाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि काम ठीक ठाक है, ना बुरा ना बहुत अच्छा, जो रियल है वो रियल है। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो गाइज चलिए, तब तक के लिए बाय।